तो गाइस आज मैं आप सभी के लिए एक और अनबॉक्सिंग वीडियो लेकर आया हूँ और आज मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ एक एयर कूलर का। इस एयर कूलर को मैंने ऑनलाइन बाय किया है मात्र 4,000 रुपये में। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, मात्र 4,000 रुपये में मैंने इस एयर कूलर को मैंने बाय किया है। तो यह है बजाज का एयर कूलर और इसकी जो वाटर टैंक की जो कैपेसिटी है वो है 24 लीटर। तो 24 लीटर गाइस एक दिन के लिए इनफ होता है और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस एयर कूलर के साथ हमें 2 ईयर्स की वारंटी भी मिलती है। तो अगर आप भी इस बजट फ्रेंडली इस एयर कूलर को बाय करना चाहते हैं तो मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में इस एयर कूलर का परचेजिंग लिंक शेयर कर दूंगा। तो चलिए गाइस विदाउट एनी डिले हम इसकी कर लेते हैं अनबॉक्सिंग और उसके बाद मैं आपको इसको यूज़ करके भी दिखाने वाला हूँ कैसा है भैया ये एयर कूलर आपके डेली यूसेज में कैसा रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी जो एयर थ्रो है वो है अप टू 5 मीटर। तो अप टू 5 मीटर तक ये जो एयर कूलर है हवा को थ्रो करता है और इसमें दी गई है टर्बो फैन टेक्नोलॉजी। ये सब भैया इसके थोड़े बहुत स्पेसिफिकेशन है, देख लो। 4-way swing मिल जाता है और इसकी जो एयर डिलीवरी है काफ़ी पावरफुल है, 1700 CMH की इसकी एयर डिलीवरी है और इसमें हमें 4-way swing मिल जाता है, साथ ही साथ 3-speed control दिए गए हैं। मात्र 100 वॉट का है ये एयर कूलर, तो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन बहुत ही कम रहने वाला है इस एयर कूलर के साथ। और इसके मोटर की जो RPM है वो है 2700 और काफ़ी लाइट वेट भी है ये एयर कूलर। मात्र देख सकते हैं ग्रॉस वेट जो है इसका मात्र 7.5 किलो का है और नेट वेट है मात्र 6.5 किलो का, तो काफ़ी लाइट वेट है ये एयर कूलर। और एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा इसका MRP। तो यहाँ पर देख लो भैया इसका MRP दिखा रहा है 8,390 रुपये, बट जैसे कि मैंने आपको बताया इस एयर कूलर को मैंने ऑनलाइन बाय किया है मात्र 4,000 रुपये में। तो इसका परचेजिंग लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में भी मैं दे दूंगा, वहाँ से बाय कर लेना अगर ठीक लगे तो। तो चलो भैया इसको कर लेते ओपन। गाइस बिल्कुल ऐसा ही मेरे पास एक और कूलर भी है मेरे घर पर, उसकी परफॉर्मेंस से मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ। 4-5 साल हो गए उसको मेरे को बाय करे हुए, अभी तक प्रॉपरली वर्क कर रहा है। तो बिल्कुल सेम मॉडल ही मैंने यहाँ पर ये एक और मैंने बाय किया है। बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है ये, तो देख लो भाई बॉक्स पूरा खाली है। तो भैया ये है हमारा एयर कूलर, इस टैंक की कैपेसिटी है 24 लीटर की। तो इस एयर कूलर के नीचे ही आपको 4 व्हील मिल जाते हैं जिन्हें हम कैस्टर व्हील भी बोलते हैं, जिसकी मदद से आप ना इस एयर कूलर को ईजिली मूव कर सकते हैं। देखो अभी तो ये खाली है, ईजिली मूव हो जाएगा, लेकिन पानी भरने के बाद ना थोड़ा भारी हो जाता है, लेकिन इन कैस्टर व्हील्स की मदद से ईजिली मूव हो जाता है ये, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। और इसके साथ हमें ये वारंटी कार्ड भी इसमें मिला है, जैसे कि मैंने आपको बताया इस एयर कूलर के साथ हमें 2 साल की वारंटी मिलती है। ये रहा भैया इसका वारंटी कार्ड, संभाल के रखना, फेंकना मत। तो इसमें हमें मिलते हैं ये हनीकॉम पैड्स। गाइस जो हनीकॉम पैड्स होते हैं ना बहुत अच्छे होते हैं एज़ कम्पेयर टू जो वूल वाले, क्या बोलते हैं उन्हें, वुड वूल बोलते हैं आई गेस, जो वुड वूल वाले जो होते हैं पैड उनसे ये काफ़ी अच्छा होता है ये हनीकॉम पैड। वुड वूल वाले की लाइफ जो होता है ना बहुत कम होता है, हर गर्मी में आपको चेंज करना पड़ता है, चेंज नहीं करोगे भैया एकदम ख़राब हो जाता है वो, ठंडी हवा नहीं देगा। लेकिन ये जो हनीकॉम्ब वाले होते हैं ना ये भैया आपको हर गर्मी में तो चेंज नहीं करना पड़ता है, 4-5 साल में आप चाहे तो इसको क्लीन भी करवा सकते हैं या फिर आप चेंज भी करवा सकते हैं। इसकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा होती है हनीकॉम पैड्स की एज़ कम्पेयर टू वुड वुल पैड। इसके केबल की हम लेंथ देख लेते हैं, 2 पिन का ये प्लग दिया गया है क्योंकि 100 वॉट का ही है यार, ज़्यादा पावर तो खाता नहीं है, 100 वॉट का है। और केबल की लेंथ भी लगभग 1.5 मीटर होगी, केबल काफ़ी अच्छी क्वालिटी की केबल दी गई है और मात्र 100 वॉट का इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन करता है ये एयर कूलर। तो ये जो पैनल्स हैं 1, 2, 3, ये जो 3 पैनल है इन्हें आप ओपन भी कर सकते हैं, यहाँ पर इनका नॉब दिया गया है, ठीक है। ये जो नॉब है
इन नॉब को आप घुमाएंगे यहाँ से ओपन हो जाएगा, ओपन क्लोज यहाँ पे दिखा रखा है किस तरफ घुमाना है आपको ओपन के लिए और क्लोज के लिए, ठीक है। और यहाँ से आपको इसमें पानी डालना है, वाटर इनलेट यहाँ पर दिया गया है इसका। और ये जो नॉब है ये है फैन का नॉब और ये है पंप का नॉब। इस नॉब की मदद से आप पंप को भी ऑन कर सकते हैं, साथ ही साथ ये जो फ्लैप है इन फ्लैप को भी आप कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो भैया विदाउट एनी डिले हम इसको ऑन करके देख लेते हैं कैसा है ये एयर कूलर। तो इस नॉब की मदद से इसके अंदर जो फ्लैप है ना वो आप मूव करवा सकते हैं, ठीक है। तो यार मात्र 4000 रुपये में ना बहुत ही बढ़िया ये एयर कूलर है। तो गाइस मैं आपको बता दूं आज की ये वीडियो कोई भी प्रमोशनल नहीं है, मैंने खुद अपने पर्सनल यूज़ के लिए मैंने इस एयर कूलर को बाय किया है। तो अगर आप भी इस एयर कूलर को बाय करना चाहते हैं तो मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन और साथ ही साथ कॉमेंट सेक्शन में इसका परचेजिंग लिंक मैं शेयर कर दूँगा। तो उस लिंक की मदद से आप बिल्कुल वन क्लिक में इस लाजवाब एयर कूलर को बाय कर सकते हैं। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं कल एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।